हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये क्या होता है फ्रेंड्स? लेट समेशन ऑफ यू एन बी एनी पॉजिटिव टर्म सीरीज। आप यू एन ले लो या ए एन ले लो, कुछ भी ले लो। लेट समेशन ऑफ यू एन बी एनी पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एल। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एल। देन फर्स्ट है मेरे पास समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन वन। समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन वन। सेकेंड है मेरे पास समेशन ऑफ यू एन डाइवर्जेंट इफ एल इज लेस देन वन। समेशन ऑफ यू एन डाइवर्जेंट इफ एल इज लेस देन वन। एंड थर्ड है मेरे पास समेशन ऑफ यू एन लाइक कन्वर्जेंट इफ एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो ये मेरे पास क्या होगा समेशन, ये सीरीज मेरे पास क्या होगी, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। हाँ, एक चीज और बताना है आपको, एल इसको सू वन पर क्या होगा, ये एल इसको सू वन पर फेल कर जाएगा टेस्ट। फेल इफ एल इसको सू वन, तो एल इसको सू वन पर ये फेल कर जाएगा टेस्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, रेशियो टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं यहां पर। अधिकतर क्वेश्चन में इसी का यूज होता है और अधिकतर लाइक कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो रेशियो टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी टेस्ट में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। यहां पर मैंने क्या बताया आपको, समेशन ऑफ यूएन बी पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस वन इज इक्वल्स टू एल। समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन वन। समेशन ऑफ यूएन डाइवर्जेंट इफ एल इज लेस देन वन। समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट If L is equals to infinite, and fail कब करेगा? जब L is equals to one होगा। और fail जब करते हैं तो हम लोग Rabi's test लगाते हैं। Rabi's test लगाते हैं, तो उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो fail कब होगा? L is equals to one पर होगा। ठीक है। एक इसका दूसरा भी रूप है, अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप वो यूज कर सकते हो, वो आप लगा सकते हो। क्या है? आप un plus one upon un कर सकते हो, क्योंकि sequence में भी हमने थोड़ा वहां पर पढ़ा था, तो उससे लिंक करके आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसा? लाइक ये भी आप यूज कर सकते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो नाराज नहीं होना है कि वो नहीं आप बता रहे हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। un plus one upon un is equals to l, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un plus one upon un is equals to l। So, first point इसका होगा। अब देखिए यहां पर सारी चीजें उलट जाएंगी, un plus 1 upon un है, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा सारा। क्या होगा? समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट इफ एल इज लेस देन वन। सेकेंड थिंग क्या है? समेशन ऑफ यू एन डाइवर्जेंट, उल्टा हो जाएगा सारा, इफ एल इज ग्रेटर देन वन। और एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी ये डाइवर्जेंट होगा। एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी यहां पर क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। और फेल कर जाएगा मेरे पास एल इज इक्वल टू 1 पर। और जब ये फेल कर जाता है तो हम लोग Rabi's टेस्ट लगाते हैं। Rabi's टेस्ट को भी मैं अभी बताता हूं। फेल इफ एल इज इक्वल टू 1, और अगर ये फेल कर जाता है तो हम लोग Rabi's टेस्ट लगाते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड? Rabi's टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? समेशन ऑफ यू एन बी एनी पॉजिटिव टर्म सीरीज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन लाइक लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एल। एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एल। तो आप समझ सकते हो, अगर ये मेरे पास एल आता है और फिर सारी कंडीशन आप ये कर सकते हो, इसकी ये फॉलो करा दो।
सारी कंडीशन ये फॉलो करा दो। रावेश टेस्ट क्या बोलता है, रावेश टेस्ट का यूज कब करेंगे, जब ये फेल होगा, एल इक्वल टू वन रखने पर फेल होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या करना है हमें, रावेश टेस्ट पे जाना है। रावेश टेस्ट क्या कहता है, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस, इसीलिए मैंने यहां प्रिफर किया सबसे पहले, इसको मैंने यहां बताया। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है, इसलिए मैंने यहां बताया कि अगर फेल कर जाए तो फिर यू एन अपॉन लाइक, वो भी सिंपल है, उसको उलट देना है बस, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू एन लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, यहां पर एल ले आएंगे हम लोग। तो ये भी सारी यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है फ्रेंड, सारी यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। मतलब क्या है कि ये मेरे पास समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट होगी एल इज ग्रेटर देन वन पर, इसके लिए मैं बता रहा हूं, समेशन ऑफ यू एन डाइवर्जेंट होगी। अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा सारे, अभी मैं यहां पर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो समेशन ऑफ यू एन डाइवर्जेंट होगी इफ एल इज लेस देन वन, इसके लिए मैं बता रहा हूं ये चीज, इसके लिए सारी ये पॉइंट है, इसके लिए ही सारे ये पॉइंट हैं। समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट इफ एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओके, और ये भी एल इज इक्वल टू 1 पर, अगर यहां भी एल इज इक्वल टू 1 आ गया ये भी फेल कर जाएगा फ्रेंड, एल इज इक्वल टू 1 आ गया तो यहां भी फेल कर जाएगा फ्रेंड। तो कभी कभी यहां पर भी 1 आने के चांसेस रह सकते हैं फ्रेंड, यहां पर भी 1 आने के चांसेस हो सकते हैं। तो और भी कोई टेस्ट है तो हम उनको अप्लाई करेंगे तो शायद उनसे लग जाएगा क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने रेशियो टेस्ट बताया और रावेश टेस्ट बताया। तो रेशियो टेस्ट, रावेश टेस्ट कब लगाएंगे हम लोग, जब रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है, फेल कब करता है, एल इज इक्वल टू 1 पर, एल इज इक्वल टू 1 पर रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है। तो अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रेशियो टेस्ट के। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन बताता हूं रेशियो टेस्ट के। तो अब मैं यहां पर रेशियो टेस्ट के कुछ क्वेश्चन बताता हूं। तो सीरीज में कुछ भी नहीं है, बस टेस्ट है, सीरीज में कुछ भी नहीं है, आपको टेस्ट अच्छे से आते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। आप क्वेश्चन है मेरे पास, समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 2 रेस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर एन प्लस 1, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कन्वर्जेंट देखनी है इसकी, कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, कि एक सीरीज जो है मेरे पास कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो ये टर्म क्या है मेरे पास, ये यूएन टर्म है पूरी, इसको उठा लो आप, इसको आप उठा लो। ज्यादातर टेस्ट में आपको रेशियो टेस्ट लगाना है, ये याद रखिए, और मैं बाद में बताऊंगा अभी आपको कि रेशियो टेस्ट कहां लगेगा, रेशियो टेस्ट कहां लगेगा। तो ये यूएन हो गया मेरे पास, यूएन मेरे पास क्या है, 2 रेस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर एन प्लस 1, और ये रेशियो टेस्ट लगता कब है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, पहले मैं बता रहा हूं, समेशन ऑफ यूएन जब पॉजिटिव होगा तभी ये लगेगा फ्रेंड, तभी ये लगेगा। un इसको से मेरे पास क्या है, 2 रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर n प्लस 1, un प्लस 1 क्या आएगा मेरे पास, 2 रेस टू द पावर n प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n अपॉन, यहां हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 करूंगा मेरे पास इनटू 3 प्लस 1, ओके। अब आप ये करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, 2 रेस टू द पावर n से n कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, बचेगा लाइक आएगा क्या मेरे पास, 1 अपॉन 2 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन 2 इंटू ये मेरे पास क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 3 टू द पावर n इंटू 3 प्लस 1 अपॉन, ये मेरे पास क्या आएगा, 3 टू द पावर n प्लस 1, 3 रेस टू द पावर n प्लस 1 आएगा, ओके। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 3 रेस टू द पावर n, मैं यहां पर कॉमन लूंगा ऊपर तो मेरे पास क्या आएगा, 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर n, यहां पर कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा, और जब 3 रेस टू द पावर n से n कैंसिल हो जाएगा मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर 3 बचेगा, लाइक फाइनल मेरे पास क्या आएगा, 3 बाई 2 विच इज ग्रेटर देन 1, ये l आया, ये ग्रेटर देन 1 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट, ये मेरे पास सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो कुछ नहीं करना है, आप यू एन निकाल लो, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 कर लो, अगर एल जो आपकी वैल्यू आ रही है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, और अगर इक्वल टू 1 है तो ये फेल कर जाएगा, रावेश टेस्ट वहां लगाना है। तो बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है फ्रेंड, और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, समेशन ऑफ n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अगर कहीं फैक्टोरियल वगैरह का केस आए ना, अगर कहीं फैक्टोरियल वगैरह है ना, तो लगभग रेशियो टेस्ट लगाने के चांसेस होते हैं वहां पर। तो आपको अभी और भी टेस्ट बताऊंगा तो वहां से आपको समझ में आएगा कि फिर आप क्या करेंगे, पजल हो जाएंगे कि कौन सा टेस्ट लगाएं। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या सोचोगे कि कौन सा टेस्ट लगाएं। तो अगर फैक्टोरियल वगैरह होता है तो कुछ टेस्ट फेल कर जाएंगे, मतलब कि लगभग लगाओ ही ना वो टेस्ट,
तो लगभग लगभग वो टेस्ट लगाओ ही मत। अभी आगे बात करेंगे उसकी, जैसे कॉची टेस्ट होता है, कॉची एनएफ रूट टेस्ट होता है। यहां पर देखते हैं समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी एन टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब देखिए ये यूएन मेरे पास क्या है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, और यूएन प्लस वन क्या है मेरे पास, एन टू एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल। अब आप देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पर देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, n प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन है, और यहां पर क्या n प्लस वन का फैक्टोरियल है, n प्लस वन यहां से मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास n फैक्टोरियल बचेगा, n प्लस वन मैं बाहर लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, n फैक्टोरियल बचेगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। ओके ये ऊपर चला जाएगा, मेरे पास क्या आया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n टू दी पावर n इंटू n प्लस वन अपॉन n to the power n into n plus 1 upon n plus 1 to the power n plus 1। इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं फ्रेंड, ये सॉरी यहां से ये मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n plus 1 की पावर n आ जाएगा फ्रेंड, तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको नीचे ले आएंगे तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन लाइक n प्लस 1 अपॉन n की पावर n, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 1 प्लस 1 अपॉन m की पावर n आ जाएगा फ्रेंड। अब आप बता सकते हैं इसको देख सकते हैं कि n टेंस टू इनफिनिटी करूंगा तो मेरे पास ये कहां पर जाती है, ये ओवरऑल कहां पर जाती है, e पर जाती है फ्रेंड, ये ओवरऑल कहां पर जाती है, e पर जाती है। जैसे कि मैंने बताया था ये क्या है 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म है, 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैसी फॉर्म बन जाती है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं लाइक ये इन्फिनिटी जो ब्रैकेट के अंदर इसको एफ एक्स कर लेते थे याद होगा आपको कुछ, और ये जी एक्स हो जाता था। और अगर आपका कभी वन की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, एन टेंस टू इन्फिनिटी जीरो हो गया, ये वन आ गया और ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो अगर कभी भी वन की पावर इन्फिनिटी बने तो मैंने आपको बताया था ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स लगाते हैं हमेशा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी मतलब जो भी यहां पर लिमिट हो, कहने का मतलब ये ऐसा करते हैं तो ये मेरे पास ई आ जाएगा, ये मेरे पास ई आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं इसको, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं फ्रेंड। ओके तो यहां पर अब आप देखेंगे कि ये ई चला जाएगा एन टेंस टू इनफिनिटी पर, तो मेरे पास क्या है वन अपॉन ई आया, वन अपॉन ई वन अपॉन टू पॉइंट सेवन, इसका मतलब क्या है ये लेस देन वन आएगा, इसका मतलब क्या है दिस इंप्लाइज डायवर्जेंट, ये सीरीज कैसी होगी ये डायवर्जेंट होगी फ्रेंड। तो बस आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है आपको, बस टेस्ट लगाना है और इजीली हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा, ओके एक क्वेश्चन है मेरे पास, दोनों क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, x अपॉन वन इंटू थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू फोर प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस एंड सो ऑन, एंड सेकेंड है मेरे पास एक्स अपॉन टू रूट थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, आप खुद करने का इसको प्रयास करिए हो जाएगा आपसे, प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन सॉरी थ्री अपॉन फोर रूट फाइव, x is greater than 0, x is greater than 0, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ओके अब इसे करना है हमें, अब इस क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन को करना है, आप खुद ट्राई करिए पहले इसको, कर लेंगे आप, भरोसा है मुझे। अच्छा देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी nth टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको इसकी nth टर्म फाइंड करनी होगी, किसकी nth टर्म क्या होगी, तो यहां पर बताना ये है कि x की क्या-क्या वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए ये जो मेरे पास सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट होगी। उसने क्वेश्चन में ये पूछा है x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, मतलब किस किस वैल्यू के लिए होगी, किन किन वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगी, किन वैल्यूज के लिए डाइवर्जेंट होगी फ्रेंड। तो अब आप देखिए यहां पर कि अब देखिए ऊपर से नीचे का कोई लिंक नहीं है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कोई लिंक नहीं है, तो आप क्या करिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कंपेयर करिए कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, लाइक इसकी जो पोजीशन लाइक इसकी जो नंबरिंग है वो कैसे हो रही है, हमें ये देखना होता है। हमें क्या करना होता है कि पहले ऊपर से नीचे को लिंक करो, ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आपको एनथ टर्म फाइंड करना हो, सबसे पहले तो वहां पर पजल होते हैं हम लोग, वहां मिस्टेक करते हैं,
कि nth टर्म फाइंड करो, nth टर्म जैसे फाइंड होगी आपकी तब आप आगे सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप un बनाना पड़ेगा ना आपको, यहां पर टेस्ट लगाने से पहले आपको un बनाना पड़ेगा। un कैसे बनेगा, un तो टर्म कैसे डिफाइन होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख के। तो पहले तो ये देखो क्या न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है। तो अब आपका क्या करो, सबके न्यूमरेटर से कोई लिंक देखो, कैसे लिंक हो रहा है आप समझ सकते हो। x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x की पावर 4 है, फोर्थ टर्म में x की पावर 4, फिफ्थ टर्म में x की पावर 5, सिक्स्थ टर्म में x की पावर 6, nth टर्म में क्या होगा x की पावर n होगा। तो यहां पर मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, फर्स्ट वाला कर रहा हूं, un बनाना चाह रहा हूं, क्या होगा x की पावर n होगा अपॉन। अब आप नीचे देखिए, नीचे देखिए कैसे वर्क कर रहा है, 1 × 3, 2 × 4, 3 × 5। देखिए अब यहां पर देखिए इसका इससे लिंक कैसे आया, 2, लाइक 2 इंक्रीज कर रहा है, 1 × 3, 2 × 4, 3 × 5, ऐसा हो रहा है इसका लिंक। अच्छा, या तो फिर ऐसे भी लिंक हो रहा है। आप देखिए फर्स्ट टर्म देखिए, इसका फर्स्ट टर्म देखिए, देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब n में क्या होगा, n होगा, समझने की कोशिश करिए। और यहां पर आप देखिए जो इसका फर्स्ट टर्म आ रहा है वो इससे 2 ज्यादा है, बस खत्म। मतलब जितना आप यहां रखोगे यहां पर क्या है उसे 2 डिजिट मतलब कि ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, यहां अगर आप n रखोगे तो n+2 होगा, समझने की कोशिश करिए। यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर 4 आ गया, 3 है तो 5 आ गया, 4 होगा तो 6, सॉरी 3 है तो 5 आ गया, और यहां पर क्या है, अगर 4 होगा तो यहां पर क्या होगा मेरे पास, यहां पर 6 होगा, और फिर अगर 5 होगा तो 7 लाइक 8 होगा, सॉरी 3 है तो 5 है मेरे पास, 4 है तो 6 होगा, 5 है तो 7 होगा। तो आप देख, अगर n है तो क्या होगा, n+2 होगा, n है तो n+2 होगा। तो बस मुझे क्या करना है, n है तो n+2 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, जैसा गिवन है वैसे ही कर रहे हैं, और बहुत ही इजी है, यहां पर कुछ ज्यादा समझाना नहीं है मुझे। यहां पर un मेरे पास ये आ गया, un+1 मेरे पास क्या आएगा, x^(n+1)/(n+1)(n+3). अब मैं यहां पर क्या करूंगा, un/un+1 करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से x की पावर n से x पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा मेरे पास आएगा ऊपर n+1 चला जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 × n+3 / ये क्या आएगा, n × n+2 आ जाएगा, और साथ में भाई 1/x को भी है, उसको मत छोड़ो, साथ में क्या है 1/x भी है, ओके हाँ ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर n कॉमन लूंगा, यहां से n कॉमन लूंगा, n² बच जाएगा, n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास ऊपर क्या आएगा 1/1, ये आ जाएगा 1+1/n × 1+3/n/, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1+2/n × 1/x आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कहां जाएगा मेरे पास 1 पर जाएगी, ये भी 1, ये भी 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए x की किस वैल्यू के लिए ये कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो मतलब जो भी वैल्यू आई है अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि मैं यहां पर un/un+1 चूज कर रहा हूं, इसलिए un+1/un नहीं कर रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या होगा कन्वर्जेंट होगी, तो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। इफ अब आप देखिए x इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या, x इज लेस देन 1, इफ x इज लेस देन 1 देन समेशन ऑफ un कन्वर्जेंट, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा समेशन ऑफ un डाइवर्जेंट, और x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा। अब मुझे यहां पर 1 के लिए चेक करना है, x इज इक्वल टू जब मैं 1 करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि 1 पर ही मेरे पास 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा 1 के लिए यहां पर क्या, x इक्वल टू 1 जैसे रखूंगा मेरे पास 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, जो l आया है un/un+1 सॉल्व करके मेरे पास l आया वो 1 आ गया, और मैंने बोला था 1 पर फेल कर जाता है, 1 पर फेल कर जाता है, तो 1 पर मुझे चेक करना है, तो मुझे क्या करना होगा राबेस टेस्ट लगाना होगा। अब मुझे क्या करना होगा राबेस टेस्ट लगाना होगा, देखिए x इज लेस देन 1 पर ये मेरे पास सीरीज कैसी होगी कन्वर्जेंट होगी, x इज ग्रेटर देन 1 पर मेरे पास सीरीज कैसी होगी डाइवर्जेंट होगी, x इज इक्वल टू 1 पर मुझे चेक करना है कि क्या होगी। 1 पर अगर मुझे चेक करना है तो राबेस टेस्ट मैं यहां पर लगाऊंगा, तो राबेस टेस्ट क्या बोलता है, हां मेरे पास ये nth टर्म क्या आया था, सॉरी यहां पर मेरे पास ये n+1 n+3 / n n+2 × 1/x
अब देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू, जब मैं यहाँ पर वन लूंगा तो मेरे पास ये आएगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन क्या आएगा, ये आएगा। देखिए बस यही देखना होता है, जब मैं एक्स इक्वल टू वन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन क्या आएगा, ये आएगा। और अभी से इसमें मैंने बताया गया था आपको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन करते हैं हम लोग ये करते हैं। अब आप इसको ले आइए x को से 1 पर, आप देखेंगे x को से 1 पर मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा लाइक n n प्लस 1 n प्लस 3 अपॉन n n प्लस 2 माइनस 1 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए यहां देखना है हमको यहां देखना है कि ये क्या आता है मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन, अभी बाहर ही है मेरे पास, ये आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस एन प्लस थ्री माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस टू एन अपॉन एन स्क्वायर से एन स्क्वायर मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर मेरे पास क्या आएगा, एन एन प्लस टू आ जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। अब आप देखिए यहां पर 3n plus n 4n हो गया, 4n plus 2n 6n हो गया, 6n plus 3 upon n plus 2 limit n tends to infinity। अब आप देखेंगे 3 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 2 जा 6 plus 3 2 जा 6 plus 1 2n plus 1 upon n plus 2 और ये बाहर मेरे पास 3 है। अब आप देखेंगे जैसे मैं limit n tends to infinity करूंगा, n कॉमन लेंगे ऊपर से भी नीचे से भी, तो यहां पर क्या आएगा 2 प्लस 1 बाई एन और यहां पर क्या आएगा 1 प्लस 2 बाई एन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एंटर सर्फिटी पर और बाहर 3 है तो आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इंप्लाइज कन्वर्जेंट। तो x इसको सू 1 पर क्या है, कन्वर्जेंट होगी फ्रेंड, तो x इसको सू 1 पर भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो x इज लेस देन 1 पर भी कन्वर्जेंट थी और 1 पर भी कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट होगी। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको दिखाएंगे कैसे, हम लोग आप समझ चुके होंगे कि इसको कैसे दिखाना है हम लोगों को, तो दिखाएंगे कैसे इसको हम लोग, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन देन सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, एक्स इज ग्रेटर देन वन डाइवर्जेंट है। तो बस ऐसे ही हम लोगों को करना होगा फ्रेंड। ओके तो ये एक्स की वैल्यू पर आ गया। अच्छा ये और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप खुद लगा लोगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद लगा लोगे। ओके तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद लगा लोगे। तो सबसे पहले देखो n, देखो x है भाई, कुछ भी हो सकता है यहां पर, कुछ भी दे सकता है, याद रखिए आप यहां x क्यूब x की पावर 5 x की पावर 7 ऐसे भी दे सकता है, बस आपको n एटम देखना होगा उसका और कुछ नहीं करना होगा। यहां तो सिंपल दिया गया x की पावर x स्क्वायर x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, तो मेरे पास क्या आएगा n एटम क्या होगा, सीधा मैं लिख रहा हूं यहां पर un मेरे पास बनेगा x की पावर n अपॉन, नीचे देखो नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो क्या रहा है 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हैं यहां पर 2 3 4 5 सारी क्या है मेरे पास, लाइक मेरे पास ये नंबरिंग कैसे है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये स्टार्ट कहां से है 2 से, तो ये n प्लस 2 इसको मैं बोल दूं, n एटम इसका क्या होगा, n प्लस लाइक n प्लस 1 होगा, सॉरी n प्लस 1 होगा क्योंकि जब आप n इसको से 1 रखो तो मेरे पास 2 आएगा, तो पहला एटम क्या आ गया n प्लस 1 आ गया। और भी टफ हो सकते हैं, देखिए यहां पर मैं सिंपल बता रहा हूं आपको और जब असाइनमेंट डिस्कस होगा तो आपको टफ क्वेश्चन ही रहेंगे वहां पर, वहां टफ क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर ट्राई करिएगा। तो यहां पर देखिए n प्लस 1 आएगा और ये मेरे पास अंदर देखो अंदर क्या है 3 4 5 6 7, यहां पर क्या है n प्लस 2 करूंगा मैं 3 4 5 6, ये लिखा कैसे जाएगा, प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे, उतनी जल्दी लिख पाओगे, तो मेरे पास क्या आएगा रूट ऑफ n प्लस 2 आएगा फ्रेंड। इजली देख सकते हो यहाँ पर कि n प्लस 2 लाइक n इसको 1 रखोगे मेरे पास 3 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 5 आएगा और ये प्रैक्टिस से ही होगा और कोई इसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरे पास un आ गया, un प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस लाइक 1 रखूंगा तो मेरे पास n प्लस 2 आएगा, यहाँ n प्लस 1 रखूंगा तो मेरे पास रूट ऑफ n प्लस 3 आएगा और un अपॉन un प्लस 1 करूंगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी तो मेरे पास क्या आएगा x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन x बचेगा मेरे पास, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी मेरे पास क्या होगा ऊपर चला जाएगा n प्लस 2 रूट ऑफ n प्लस 3
अपॉन ये मेरे पास आएगा एन प्लस वन रूट ऑफ एन प्लस टू और ये मेरे पास क्या आएगा इनटू वन अपॉन एक्स आएगा फ्रेंड। अब आप देखिए यहां पर एन टेंस टू इनफिनिटी पर क्या होगा, यहां से आप एन बाहर लाएंगे तो रूट एन आएगा, एन यहां से बाहर लाएंगे तो एन की पावर थ्री बाई टू आएगा, ऊपर भी एन की पावर थ्री बाई टू, यहां से एन बाहर लेंगे यहां से रूट एन बाहर लेंगे तो एन की पावर थ्री बाई टू से एन की पावर थ्री बाई टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास वन अपॉन टू बाई एन, और यहां पर जब आप रूट एन कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा रूट ऑफ वन प्लस थ्री बाई एन, और यहां पर क्या आएगा लाइक वन प्लस वन अपॉन एन, और ये मेरे पास क्या होगा वन प्लस टू बाई एन। तो यहां पर आप देखेंगे एन टेंड्स टू इनफिनिटी क्या आएगा इन्फिनिटी जीरो इन्फिनिटी जीरो 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 मेरे पास वन बाई एक्स आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी। तो ये मेरे पास क्या आएगा वन बाई एक्स आएगा, तो मेरे पास क्या आ गया वन बाई एक्स ही आ गया। अब आप समझ सकते हैं ग्रेटर देन वन होगा तो ये कन्वर्जेंट होगी, इसका मतलब दिस इंप्लाइज एक्स इज लेस देन वन तो कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट, एक्स इज ग्रेटर देन वन डाइवर्जेंट, और इक्वल टू वन पर क्या होगा ये फेल कर जाएगी सीरीज, फेल कर जाएगी। तो हम लोग रॉबर्ट्स टेस्ट पर आएंगे, रॉबर्ट्स टेस्ट क्या करेंगे यही मेरे पास यू एन अपॉन यू एन प्लस वन है इसको उठा लो, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन रखोगे ना आप यहाँ पर, एक्स इक्वल टू वन रखोगे तो मेरे पास यहाँ पर फेल कर जाएगी ये सीरीज। अब मुझे रॉबर्ट्स टेस्ट लगाना है, रॉबर्ट्स टेस्ट में क्या करना होता है एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम रॉबर्ट्स टेस्ट भी फाइल कर सकते हैं, लाइक रॉबर्ट्स टेस्ट भी लगा के यहाँ पर देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, या तो फिर रॉबर्ट्स टेस्ट आप लगाइएगा, या तो फिर मैं एक दूसरा टेस्ट बता देता हूँ कि आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक x इक्वल टू 1 पर देख लेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर देखना है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा फ्रेंड, x को सू 1 पर देखना है मुझे। अच्छा या तो आप ऐसा ही कर सकते हैं कि x को सू 1 पर अगर मुझे देखना है तो मेरे पास पहले सीरीज बनी क्या थी, देखिए रॉबर्ट्स टेस्ट यहां से आप लगा सकते हैं इसी को करके, ये मेरे पास u1 / u1 + 1 आया था n * u1 / u1 + 1 - 1 कर सकते हैं, या तो उससे सही तरीका हो सकता है आप क्या करें कि जो मेरे पास un था, un क्या था मेरे पास लाइक x की पावर n / un मेरे पास क्या था, जो मेरे पास सीरीज थी क्या थी x अपॉन 2 इंटू 3 2 रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू रूट 4 और यहां पर क्या था एक्स क्यूब अपॉन 4 इंटू रूट 5 तो मेरे पास एन प्लस टू लाइक एन प्लस वन और ब्रैकेट में क्या था एन प्लस टू था, ब्रैकेट में क्या था देख लेता हूं यहां पर एक हाँ 2 रूट 3 3 रूट 4 4 रूट 5 ओके ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसी सीरीज थी, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या था एन प्लस वन एन प्लस टू, तो यहां पर आप देख सकते हैं एन प्लस वन रूट ऑफ एन प्लस टू ओके। अब आप देखेंगे x इसको तो 1 पर मेरे पास क्या होगा, ये x इसको तो 1 पर मेरे पास un क्या आएगा, x इसको तो 1 पर 1 की पावर n करेंगे तो मेरे पास कुछ भी करो आप 1 ही आने वाला है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा un 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू रूट ऑफ n प्लस 2 ओके। अब आपको क्या करना है यहां पर एक vn बनाना है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे कि आपको क्या करना होता है, ऐसे भी हम लोग इसकी कन्वर्जेंट देख सकते हैं क्योंकि x इसको तो 1 पर मुझे चेक करना है ना इस सीरीज के, एक्स इज कोसू वन पर मुझे चेक करना है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं एक वीएन लाइक बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा वीएन जो इसके टाइप का होगा, जो इसके टाइप का होगा मतलब कैसे बनाते हैं हम लोग वीएन कि वन अपॉन यहां से एन ले लो इंटू यहां से भी एन ले लो, तो ये मेरे पास रूट एन बन जाएगा, लाइक इसी के सिमिलर टाइप का बनाते हैं एक भी, और ये आप वीएन बना लो, वीएन मैंने बना लिया वन अपॉन एन इंटू रूट एन, और फिर हमने मैंने आपको क्या बताया था यूएन अपॉन वीएन करो, un अपॉन vn करो, अगर अगर मेरे पास कोई l फाइनाइट आती है वो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों लाइक कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्ज करेगी, बस यही करना है आपको, या तो ये भी कर सकते हो आप, पिछले वाले में भी ऐसा कर सकते थे आप। तो यहां पर क्या करो आप un अपॉन vn करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए दोनों तरीके हैं यहां पर, इसीलिए मैंने दूसरा तरीका बताया, रॉबर्ट्स टेस्ट आप यूज कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आप समझ सकते हो, अब ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास n * √ n अपॉन n + 1 इंटू रूट ऑफ एन प्लस टू, एन अब यहां पर एन कॉमन लूंगा मैं तो मेरे पास क्या आएगा एन कॉमन लूंगा यहां रूट एन कॉमन लूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहां पर क्या आएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एन टेंस टू इंफिनिटी मेरे पास क्या हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास नीचे क्या आएगा वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन इंटू रूट ऑफ वन प्लस टू बाई एन। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एन टेंस टू इंफिनिटी पर क्या आएगा वन आएगा जो कि नॉन जीरो है फाइनाइट वैल्यू है। तो ये मेरे पास क्या होगा अगर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आती है तो अगर मेरे पास vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, और आप ये साफ साफ जानते हैं
की 1 अपॉन n की पावर 3 बाई 2 है। अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है, यूएन कन्वर्जेंट होगी। तो एक्स इज लाइक ये मेरे पास क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 1 पर मेरे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी फ्रेंड। लाइक बोल सकते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 पर ये कन्वर्जेंट होगी सीरीज मेरे पास, एक्स इज ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट होगी। तो बस हमें ऐसे ही बताना होगा और कुछ नहीं करना है इसमें, हमें ऐसे ही यहां पर फाइंड करना होगा फ्रेंड। ओके, तो अब मैं यहां पर नेक्स्ट बताता हूं। ओके, अब मैं यहां पर कॉची टेस्ट बताता हूं, कॉची एनथ रूट टेस्ट बताता हूं फ्रेंड। कॉची एनथ रूट टेस्ट, कॉची एनथ रूट टेस्ट बताता हूं मैं। ये क्या होता है, लेट समेशन ऑफ यू एन बी एनी पॉजिटिव सीरीज, एनी पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, लेट समेशन यू एन बी एनी पॉजिटिव टर्म सीरीज such that limit n tends to infinity u1 की पावर 1 by n is equals to l, un to the power 1 by n is equals to l, first है मेरे पास, then summation of un convergent, बस कुछ नहीं करना है आपको, टेस्ट याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। if l is less than 1, l is less than 1, अगर आप वहां पर रेशियो टेस्ट में un अपॉन un प्लस 1 लगा रहे हो तो यहां पर क्या होगा, उल्टा होगा। वहां पर क्या करते थे, l is greater than 1 पर ये कन्वर्जेंट होती थी, वो वाली सीरीज कन्वर्जेंट होती थी, और यहां पर क्या है, l is less than 1 पर कन्वर्जेंट है। इसीलिए मैंने दूसरा भी इसका रूप दे दिया था कि आप या तो उससे बिल्कुल साफ-साफ लिंक कर सकते हो कि l is less than 1 पर वो भी कन्वर्जेंट थी, un प्लस 1 अपॉन un जब कर रहे थे तब की बात थी, और यहां पर भी l is less than 1 पर कन्वर्जेंट। तो कुछ भी लगा सकते हो आप, कुछ भी लगाओ जिसमें आप कंफर्ट हो। तो सेकंड मेरे पास क्या है, समेशन ऑफ un If L is greater than 1 और L equals 1 पर ये भी फेल कर जाता है। थर्ड समेशन ऑफ यू एन L equals infinite पर क्या होगा, ये भी डाइवर्जेंट होगी। L equals is fail, like मैं लिख सकता हूँ fail if L is equals to 1, L equals 1 पर ये क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी फ्रेंड। L equals 1 पर क्या कर जाएगी, ये फेल कर जाएगी फ्रेंड। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, कॉची एनथ रूट टेस्ट के। यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कॉची एनथ रूट टेस्ट के। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल टेस्ट है, बस उनको याद रखना है, हो गया, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है समेशन ऑफ एन टू द पावर एन स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n स्क्वायर, n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी। सेकंड है मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ n टू द पावर माइनस n टू द पावर 3 बाय 2। थर्ड है मेरे पास, ओके थर्ड एक है मेरे पास, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सीरीज क्या है मेरे पास, 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब माइनस 3 बाई 2 टू द पावर माइनस 1 प्लस 4 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 माइनस 4 बाई 3 टू द पावर माइनस 1 एंड सॉरी माइनस 2 है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस 3 है एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर तीन क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है, बड़े इजी हैं, आपको बस टेस्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा अभी बाद में कि कैसे लगते हैं टेस्ट, कौन सा टेस्ट कब लगाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो साथ साथ क्वेश्चन के चल रहा है, लाइक उसके थ्योरी के साथ साथ चल रहा है क्वेश्चन, तो आपको लग रहा होगा ठीक है हाँ इसमें ये लगा देंगे इसमें लगा, लेकिन अगर कोई मिक्स आ जाएगा क्वेश्चन कभी भी कुछ, क्योंकि
कॉम्पिटिशन एग्जाम में रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये चीज करना है कि उसमें लगाओगे क्या क्या। तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा अभी कि क्या क्या आपको सोचना है उसमें, उसमें क्या क्या सोचना है। पहले सारे टेस्ट आपको बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि सोचना कैसे कैसे है आपको। ओके, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए, कॉची एनथ रूट टेस्ट तभी लगाओ जब पावर एन स्क्वायर में हो, जब पावर एन हो या एन स्क्वायर में हो आप वही लगाओ, कॉची एनथ रूट टेस्ट लगाओ तब। मैंने क्या बोला है, जब पावर एन या एन स्क्वायर या एन क्यूब कुछ भी हो ऐसे टाइप में हो तो आप कॉची एनथ रूट टेस्ट लगा दो, आंख बंद करके लगाओ, उसमें देखो, ट्राई करके देखो कि सॉल्व हो रहा है क्या, क्या ये सॉल्व हो रहा है। तो पहले आप वही यूज करो, अगर एन की पावर एन स्क्वायर आ जाए या किसी की पावर एन स्क्वायर आ जाए तो आप पहले वही करके देखो, एक बार करके देख लो कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर फैक्टोरियल उसमें घुसा हुआ है, अगर उस क्वेश्चन में फैक्टोरियल घुसा हुआ है तो फिर कतई मत करना, क्योंकि एन फैक्टोरियल या कुछ भी होगा उसकी पावर 1/n हम नहीं कर पाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कभी भी, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर फैक्टोरियल होगा तो दूर भागेगा, उसमें फैक्टोरियल होगा एन की पावर एन स्क्वायर होगा या कुछ भी होगा एन स्क्वायर होगा तो थोड़ा दूर भागो, उसमें रेशियो टेस्ट लगाओ। अगर फैक्टोरियल नहीं होगा, एन की पावर एन स्क्वायर या समथिंग की पावर एन स्क्वायर होगा तो उसमें आंख बंद करके पहले आप कॉची एनथ रूट टेस्ट लगा दो, शायद उससे कुछ तुक्का मिल जाए, शायद उससे सॉल्व हो जाए। तो आपको ऐसे सोचना है, कॉची के लिए तो परेशान ना हो, बस आपको यही करना है, कॉची के लिए आपको यही करना है। फैक्टोरियल वगैरह दिया होगा या कुछ भी होगा, एक्स वगैरह दिया होगा तो आपको रेशियो टेस्ट लगाना है। तो इन दोनों में ऐसे कॉम्बिनेशन देखना है, ऐसे देखना है। लेबनीज़ टेस्ट आपको पता ही है, माइनस वन की पावर एन में लगेगा हमेशा। लेबनीज़ टेस्ट कब लगता है, जब माइनस वन की पावर एन समथिंग, वो आपका यूएन जो होगा डिक्रीजिंग होगा और टेंस टू जीरो जाएगा, तब लेबनीज़ टेस्ट लगता है। ये भी क्लियर हो गया। और कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, वो भी मैंने बता दिया आपको। तो देखिए इनमें अंतर देखिए कि कौन सा टेस्ट कब लग रहा है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ज्यादा क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा टेस्ट कब लग रहा है। ओके, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन टू द पावर एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, यहां पर एन स्क्वायर है, तो यहां पर मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं इसको कॉची एनथ रूट टेस्ट लगा सकता हूं। फ्रेंड क्या होगा मेरे पास, ये यूएन है मेरे पास, यूएन मेरे पास क्या है, एन टू द पावर एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन टू द पावर एन स्क्वायर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, यूएन टू द पावर 1/n करना है मुझे, यहां पर क्या करना है 1/n करना है। तो 1/n करूंगा जैसे ही, तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी n करूंगा तो मेरे पास u लाइक n टू द पावर n आ जाएगा अपॉन यहां पर भी क्या आएगा n प्लस 1 टू द पावर n आ जाएगा फ्रेंड। ओके, अब आप देख सकते हैं इसको अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n आ जाएगा और वो e आ जाएगा, मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या आ जाएगा 1/e आ जाएगा, व्हिच इज लेस देन 1, तो दिस इंप्लाइज कन्वर्जेंट, तो सीरीज क्या होगी मेरे पास, कन्वर्जेंट होगी। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि सारी चीज मैं बता चुका हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बता रहा हूं, लाइक नहीं बताया। तो सिंपल सिंपल टेस्ट है ये, और कुछ नहीं है। इसमें आ जाते हैं हम लोग, इसमें देखिए एन की पावर 3/2 है, एन की पावर 3/2, अगर आप रेशियो टेस्ट लगाना की भी सोचें तो एन की पावर 3/2 है यार, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो एन की पावर कुछ भी हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, तो आप क्या करिए, कॉची एनथ रूट टेस्ट लगाने की कोशिश करिए, बस फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, फैक्टोरियल में थोड़ा आप झिझकिए, फैक्टोरियल हो तो आप कॉची को बाद में सोचो, एनथ रूट टेस्ट को बाद में सोचो। तो यहां पर एनथ रूट टेस्ट लगा के देखिए क्या आएगा, तो ये यूएन, अब ये हो गया मेरे पास लाइक समेशन ऑफ, ये है मेरे पास, इसको देखना था, इसको सो 1 टू इंफिनिटी, ये यूएन है मेरे पास, तो यूएन क्या है मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एन टू द पावर माइनस 3/2। तो अभी मैं बता दे रहा हूं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो असाइनमेंट में मिलेंगे आपको, वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, तो वहां पर भी ट्राई करिएगा, आपसे लग जाएंगे क्वेश्चन वो। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यूएन टू द पावर 1/n क्या होगा, अब 1/n करना है मुझे, यहां पर 1/n करना है, सॉरी ये n की पावर 3/2 है। ओके, अब इसकी पावर 1/n करना है, तो 1/n है तो इसके आप, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो फ्रेंड, इसको क्या कर सकते हो, इसको नीचे कर सकते हो, लाइक आप क्या कर सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट एन टू दी पावर एन टू दी पावर 3/2, और ये 1 अपॉन एन है, तो 1 अपॉन एन है तो इसके नीचे भी आ जाएगा, लाइक इसको इनटू 1 अपॉन एन करेंगे तो मेरे पास ये ऐसा होगा, और जब एन से एन ये चीज करेंगे तो एन की पावर 1/2 आएगा, लाइक रूट एन आ जाएगा ये, इसको मैं रूट एन भी लिख सकता हूं, इसको मैंने रूट एन कर दिया। तो ये समझ चुके होंगे आप लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अब आप देखिए यहां पर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी क्या होगा, ये आप देख सकते हैं वहां पर, यहां पर फिर से 1 प्लस 1 अपॉन रूट एन है, 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है, फिर से आप लगाएंगे तो ये मेरे पास e आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन e आ जाएगा, विच इज लेस देन 1,
सिंपलाइज कन्वर्जेंट, क्यूबिक सीरीज क्या होगी मेरे पास, कन्वर्जेंट होगी फ्रेंड। तो हमें ऐसे ही देखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे ही देखना है और कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड। ओके, अब आप देख सकते हैं ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 2^(-2)/(-1)/3^(-2)/(-3)/(-2)/4^(-4)/(-3)/(-3)/(-3)। अब देखिए एनेटम क्या होगा इसका, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, यहां पर 1, 2, 3 थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, 4^(4)/(3)^4 ओके 4/3 और ये 4/3 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर n+1 है, n+1 है, इसको 1 रखोगे तो 2 आएगा, इसको 2 रखोगे तो मेरे पास 3 आएगा, इसको 3 रखोगे तो 4 आएगा मेरे पास। तो यहां पर पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा, n+1 जो मेरे पास यहां आ रहा है उसी की पावर लग रही है, 4 है तो 4^4 लग रही है, 5 होगा तो 5^5 लगेगी, तो n+1 होगा तो n+1 लगेगी, न्यूमरेटर का काम हो गया। यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, इससे एक कम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनाटम क्या होगा, n होगा, n होगा, और इसकी भी पावर क्या है, n+1 लाइक 2, 3 मतलब सेम है, देखो 4, 5, 6 2 से स्टार्ट है तो n+1 आ गई, इसकी पावर क्या है, n+1 है। माइनस जो यहां पर ये लिखा हुआ है देखो आप, 2/1, 3/2, 4/3 ये कैसे आएगा, ये भाई प्रैक्टिस से ही आएगा, मेरे बताने से नहीं होगा आपका, मैं पहले बता रहा हूं, इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जब तक असाइनमेंट में खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी इस चीज की तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो वैसे भी ये सिंपल है, तो मेरे पास n+1/n आ जाएगा टू दी पावर, ये -1 है, -2 है, -3 है, तो -n होगा, n एटम क्या होगा, -n होगा, यहां पर -n होगा फ्रेंड। अब मुझे ये लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये un है मेरे पास, ये क्या है, ये un है, समेशन ऑफ un मेरे पास ये बनेगा, समेशन ऑफ un मेरे पास ये बनेगा, ये लो n इक्वल्स 1 टू इनफिनिटी, n इक्वल्स 1 टू इनफिनिटी, ठीक है, un ये बनेगा, un की पावर 1/n करना है मुझे। अब यहां पर क्या कर सकते हैं आप, un की पावर 1/n कर सकते हैं, क्योंकि पावर n आई है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो un की पावर 1/n क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un टू द पावर 1/n क्या होगा मेरे पास, आप देख सकते हो 1/n करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, n+1 टू द पावर n+1, ये पूरा हम लोग ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं यहां पर, अपॉन n, ठीक है, -n+1/n टू द पावर -1। अब आप देखिए यहां पर n+1/n कॉमन ले लीजिए दोनों में, लाइक ये मेरे पास कॉमन आ सकता है, n+1/n मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा फ्रेंड। ओके, तो मेरे पास क्या होगा, n+1/n कॉमन आएगा और ये -1 बाहर आ जाएगा ऊपर पावर, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या आएगा, n+1/n क्योंकि 1 कॉमन आएगा तो की पावर n आ जाएगा, -1 to the power -1 मेरे पास ये आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब आप देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये 1+1/n हो गया, ये 1+1/n हो गया मेरे पास। ओके, अब आप यहां पर देखिए, ये भी मेरे पास क्या है, 1+1/n है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये कहां जाएगा, ये 1 पर जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये कहां जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे ये e जाएगी, सॉरी यहां पर आप देख सकते हो कि 1+1/n है तो मेरे पास ये कहां जाएगी, e पर जाएगी, तो e माइनस 1 का होल इनवर्स है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/(e-1) आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास 1 पर जाएगी, ये मेरे पास 1/(e-1) 1/2.7-1 तो मेरे पास 1/1.7 तो लगभग क्या आएगा, लेस देन 1, और ये क्या होगी, अगर लेस देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट होती है, दिस इंप्लाइज सीरीज कन्वर्जेंट, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ऐसे ही आपको एक्स में भी दे सकता है, ऐसे ही आपको एक्स में भी दे सकता है फ्रेंड। तो बस मैंने आपको डी-लैम्बर्ट टेस्ट बताया और यहां पर क्या बताया, यहां पर कॉची एनथ रूट टेस्ट बताया फ्रेंड। तो यहां पर अब मैं नेक्स्ट बताता हूं कॉची इंटीग्रल टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट। ओके, तो यहां पर अब मैं बताता हूं आपको कॉसी इंटीग्रल टेस्ट। ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव
नॉन नेगेटिव मोनोटॉनिक मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इंटीग्रेबल फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन लाइक इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू यू एन un लिख दो या a लिख दो सीक्वेंस है मेरे पास कि f of n जब मैं करता हूं तो मेरे पास un आती है एक सीक्वेंस आती है f of n is equal to un then then 1 to infinity f of n is convergent then 1 to infinity 1 upon like is convergent f of n is equal to un then 1 to infinity f of n is convergent तो ये मेरे पास क्या होगा Cauchy integral test है इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास f of x like f of x जो हम लोग देख रहे थे जो f of n ऐसे type में अगर मुझे given होगा ये मेरे पास f of n आएगा वो convergent like ये मेरे पास series में convergent कब होगा series convergent कब होगी ये क्योंकि देखिए series मेरे पास ऐसे ही कुछ given रहेगी summation of un इस टाइप की गिवन रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक फंक्शन लेंगे इसको एक फंक्शन देखेंगे और वो फंक्शन अगर मेरे पास है इसको हम फंक्शन तभी बनाएंगे जब ये नॉन नेगेटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होगा इसको हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या होगा नॉन नेगेटिव होगा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए देखिए सबकी टेस्ट की अलग अलग शर्तें हैं सारी टेस्ट की अपनी अपनी शर्तें हैं तो यहां पर ये इसकी शर्त क्या है नेगेटिव नहीं होना चाहिए पहली बात तो नॉन नेगेटिव मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए दो चीजें होनी चाहिए कि लाइक एफ ऑफ एन इक्वल्स टू यू एन कर सको आप लाइक एफ ऑफ एक्स जो आप बनाए तो वही एफ ऑफ एन इक्वल्स टू यू एन हो जाए देन हम लोग क्या बोलेंगे वन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन इज कन्वर्जेंट अब देखिए ये वन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन कन्वर्जेंट कब होगा जब ये मेरे पास फाइनाइट वैल्यू आएगी देखिए यहां पर दो टेस्ट है दोनों को एक ही में मैंने मर्ज कर दिया ये मेरे पास फाइनाइट आएगी तो कन्वर्जेंट होगा और अगर इनफाइनाइट आई तो मेरे पास ये क्या होगा डाइवर्जेंट होगा तो आप देख सकते हो देखो 1 टू या तो ये कर सकते हैं 1 टू t f ऑफ n dn f ऑफ n dn f ऑफ n dn लिमिट एट t टेंड्स टू इंफिनिटी अगर ये वैल्यू मेरे पास फाइनाइट है अभी आपको क्वेश्चन से सबको समझ में आ जाएगा ये वैल्यू मेरे पास फाइनाइट है तो मेरे पास कन्वर्जेंट होगा और अगर इनफाइनाइट आए तो ये मेरे पास क्या होगी सीरीज डाइवर्जेंट होगी सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो Cauchy इंटीग्रल टेस्ट में मैंने इनफाइनाइट टेस्ट भी जोड़ दिया इनफाइनाइट टेस्ट क्या बोलता है कि 1 टू t f ऑफ n dn क्या लिमिट t टेस्ट टू इंफिनिटी पर अगर फाइनाइट वैल्यू ये देता है मेरे पास तो कन्वर्जेंट होगी और अगर इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो ये डाइवर्जेंट होगी कैसे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन से इसको सीखते हैं यहाँ पर हम लोग इसको क्वेश्चन से देखते हैं जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं आपको स्टार्टिंग से ही रखते चले आ रहे हैं 1 upon n की पावर p समेशन ऑफ 1 upon n की पावर p इस क्या होती है मेरे पास कन्वर्जेंट होती है जब p is greater than 1 होता है डाइवर्जेंट होती है p is less than equal to 1 होता है यहां से उसको प्रूफ करते हैं कैसे देखिए मेरे पास है समेशन ऑफ 1 upon n की पावर p लाइक n इसको 1 टू इंफिनिटी n इसको 1 टू इंफिनिटी अब आप देखिए इसको एक फंक्शन आएगी लाइक इसको क्या करिए देखिए मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है नॉन नेगेटिव फंक्शन है p इज ग्रेटर देन 0 के लिए नॉन नेगेटिव फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ n इसको सो ये un बन गया मेरे पास ओके अब आप देखेंगे यहां पर कि इसको मुझे क्या करना है 1 टू t पे देखना है 1 टू t 1 अपॉन n टू द पावर p वो भी यहां dn कर दिया मैंने dn आप x भी कर सकते हो यार कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है तो ये मेरे पास लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी अब आप देखिए इसको इंटीग्रेट करिए इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट करिए इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा n की पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p और ये मेरे पास क्या लिमिट लग जाएगी 1 टू t टेंड्स टू इंफिनिटी अब आप देखिए यहां पर t टेंड्स टू इंफिनिटी ये 1 अपॉन 1 माइनस p मेरे पास बाहर है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ओके एंड ये मेरे पास x की पावर 1 माइनस p 1 टू t अब आप देखिए यहां पर अगर इंफिनिटी मैंने रखा अगर मेरे पास अपर लिमिट इंफिनिटी है लाइक t मेरे पास क्या है देखिए
वन माइनस पी, तो यहां पर पी पे डिपेंड करेगा सब कुछ। अगर मान लीजिए पी मेरे पास पॉजिटिव है, पी मेरे पास क्या है, पी मेरे पास ग्रेटर देन वन है, समझिएगा बात को, P मेरे पास अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर वैल्यू जो आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी इसका मतलब 1 अपॉन x हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन x हो जाएगा, और 1 अपॉन x हो गया इसका मतलब क्या होगा, मतलब 1 अपॉन x की पावर समथिंग कुछ भी हो जाएगा, और 1 अपॉन x की पावर समथिंग कुछ भी हो गया तो 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रखोगे क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है ना, इन्फिनिटी रखोगे तो जीरो दे देगा और माइनस यहाँ कुछ फाइनाइट वैल्यू दे देगा, तो इसका मतलब क्या है ये कन्वर्जेंट हो जाएगी फ्रेंड, क्योंकि मैंने बोला है ना कि ये अगर फाइनाइट हुआ, ये अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आई तो हम लोग बोलेंगे कि सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो बस यही कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर p मेरे पास ग्रेटर देन 1 हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर p, अगर p की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 1 हुई, 1 से बड़ी हुई तो ये नेगेटिव टर्म आएगी, नेगेटिव टर्म आएगी तो ये नीचे चली जाएगी, लाइक 1 अपॉन समथिंग में आएगा और इन्फिनिटी रखो वो जीरो बन जाएगा, माइनस समथिंग यहाँ फाइनाइट हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर ये क्या होगी फाइनाइट वैल्यू देगा, p इज ग्रेटर देन 1 पर ये क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, p is greater than 1, if p is greater than 1, क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, then convergent। अच्छा, p is less than 1 होगा तो क्या होगा, यहाँ अगर less than 1 होगा, 1 से कम होगा, let's suppose 1 by 2 रख लो, तो 1 minus 1 by 2, 1 by 2 आ जाएगा, x की power 1 by 2 आ जाएगा, और 1 to t infinity रखोगे तो infinity आ जाएगा ऊपर, मतलब क्या आ जाएगा, infinite आ जाएगा, तो like if infinite आ गया मतलब क्या है, infinite value आए तो ये divergent होता है friend, तो p is less than 1, this implies divergent, series डायवर्जन। तो देखिए इसीलिए वो टेस्ट बताया गया था कि p इज ग्रेटर देन 1 होगा, p इज ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होती है, लेस देन 1 होता है तो डायवर्जेंट, और p इज इक्वल टू 1 पर भी डायवर्जेंट होती है, इक्वल टू 1 यहां पर देख लो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा यहां पर, तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास p इज इक्वल टू 1 पर क्या होगी डायवर्जेंट होगी, तो कन्वर्जेंट कब होगी मेरे पास p इज ग्रेटर देन 1 पर होगी। तो एक ये क्वेश्चन था, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, अब यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, 1 अपॉन n समेशन ऑफ 1 अपॉन n log n टू द पावर p, n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, p इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये बताना है कि p की किस वैल्यू के लिए ये क्या होगी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, p की किस वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ओके, अब देखते हैं फिर से इसको x कर लो या कुछ भी कर लो, फिर से वही चीज करो आप, 1 टू t देखेंगे हम लोग, 1 अपॉन n log n टू द पावर p dn देखते हैं हम लोग, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी। अब आप क्या करिए, log n को कुछ u पुट कर लीजिए, log n को मैंने जैसा आप सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये देखिए नॉन नेगेटिव फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो f ऑफ n इसको u n हम लोग बना सकते हैं, इसको f ऑफ n भी बना सकते हैं, तो वही मेरे पास ये चीज आ जाएगा, इसको हम लोग f ऑफ n बना सकते हैं, तो वहां पर मैंने ये चीज कर दिया। अब यहां पर क्या कर सकते हो, log n को मैंने u ले लिया, मेरे पास 1 अपॉन n dn इसको du आ जाएगा, मतलब चेंज करेंगे तो ऐसा आ जाएगा मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, ये du चेंज हो जाएगा, ये du चेंज हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो लाइक dn इसको सिर्फ du भी कर सकते हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक dn, और यहां पर क्या आ जाएगा, इसको सीधा, इसको मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं सीधा, इसको अगर मैं कुछ भी लेता हूं, u लेता हूं, तो ये मेरे पास du हो जाएगा। ओके, फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, log n की पावर माइनस p प्लस 1, लाइक u अगर मैंने इसको लिया तो log, इसको ऐसा भी ले सकता हूं मैं, log n की पावर माइनस p प्लस 1, और ये मैं यहां पर लिमिट लगा सकता हूं सीधा 1 टू t। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, ठीक है, तो यहां पर मैंने ये चीज नहीं किया कि लिमिट चेंज ना हो 2 टू इंफिनिटी है, सॉरी, ताकि लिमिट यहां पर मैं चेंज ना करूं, आप कर भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है जैसा करो, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसा हो गया, log n की पावर 1 लाइक माइनस p प्लस 1 2 टू इंफिनिटी। अब मुझे क्या करना है, यहां पर लिमिट रखनी है, यहां पर मुझे लिमिट रखनी है, माइनस पी प्लस 1 अपॉन माइनस पी प्लस 1 ये भी आ जाएगा। ओके, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी। अब आप यहां पर देखिए कि p ग्रेटर देन 1 पर देखना है, लेस देन 1 पर देखना है, इक्वल टू 1 पर देखना है। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहां पर p ग्रेटर देन 1 पर देखना है, इक्वल टू 1 पर देखना है, लेस देन 1 पर देखना है। अच्छा, अगर मैं यहां पर p ग्रेटर देन 1 लेता हूं, अगर मैं यहां पर p ग्रेटर देन 1 लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, p ग्रेटर देन 1 लूंगा, देखिए, इफ
p इज ग्रेटर देन 1। तो मेरे पास फंक्शन कैसा होगा, फिर से आप देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करिए, बस कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है। p ग्रेटर देन 1 होगा, फिर से नेगेटिव वाला फंक्शन आएगा, ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव होगा, फिर 1 अपॉन लॉग इन बनेगा, इन्फिनिटी रखोगे तो वो जीरो बना देगा, और फिर यहां पर क्या बनेगा मेरे पास, लाइक लॉग 2 समथिंग आ जाएगा। लाइक या तो मैं ऐसा कर सकता हूं इसको, p ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 अपॉन लॉग एन टू द पावर, एन टू द पावर p ग्रेटर देन 1 होगा तो मैं इसको नीचे ला सकता हूं, p ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको मैं नीचे ला सकता हूं, p पॉजिटिव हो जाएगा, p माइनस 1 आएगा, माइनस यहां पर 2 रख देंगे, माइनस का लॉग 2 टू दी पावर 1 माइनस पी आ जाएगा फिर, और ये मेरे पास कुछ फाइनाइट वैल्यू दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अब आप कुछ भी रखो यहाँ पर, p ग्रेटर देन 1 है ना, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, जब इसको ये पुट करोगे, लाइक इसमें लिमिट पुट करोगे, यहाँ पर लॉग t कर दूंगा, क्योंकि t टेंस टू इन्फिनिटी पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो चला जाएगा। लाइक मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, un dn लिमिट लाइक 2 टू t लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, सिंपल चीजें कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर p is greater than 1 पर मेरे पास ये फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, p is equal to 1 पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो equal to 1 करूंगा मेरे पास इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट हुआ। p less than 1 पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ less than 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, नेगेटिव, लाइक लेस देन 1 करना है तो 1 माइनस 1 बाई 2 मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव करूंगा तो लॉग टी आ जाएगा, यहाँ पर लॉग टी, टी टेंस टू इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी होगा, तो मेरे पास पी ग्रेटर देन 1 पर ये कन्वर्जेंट होगी सीरीज, पी ग्रेटर देन 1 पर यह सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, पी लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट होगी, इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट होगी। तो हमें ऐसे ही बताना होगा फ्रेंड, हमें ऐसे ही बताना होगा। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट बताता हूँ, एबल्स टेस्ट, यहाँ पर मैं नेक्स्ट टेस्ट बताता हूं, एबल्स टेस्ट। एबल्स टेस्ट क्या होता है, एबल्स टेस्ट, एबल्स टेस्ट क्या होता है फ्रेंड, इफ बीएन सीक्वेंस bn is monotonic and bounded sequence, bn is monotonic and bounded sequence and monotonic, like bn is monotonic and bounded sequence and summation of an convergent, summation of an convergent, this implies summation of an into bn convergent, summation of an into bn convergent friend। तो यहां पर एबल्स टेस्ट क्या बोलता है कि मेरे पास summation of an into bn है, summation of an into bn है, bn अगर मेरे पास मोनोटॉनिक होगी और बाउंडेड होगी, bn मेरे पास अगर मोनोटॉनिक होगी और बाउंडेड सीक्वेंस होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम लोग कि बाउंड्री सीक्वेंस होगी एंड समेशन ऑफ एन कन्वर्जेंट होगी, समेशन ऑफ एन क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि ये समेशन ऑफ एन इनटू बीएन कन्वर्जेंट होगी। कैसे बोल रहे हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोले लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मतलब एक एग्जांपल लेता हूं, माइनस वन की पावर एन अपॉन एन इंटू साइन वन बाई एन। अब आप देखिए ये मेरे पास बीएन है, ये मेरे पास एन है, तो समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन आप समझ सकते हैं समेशन ऑफ माइनस वन टू दी पावर एन अपॉन एन, ये मेरे पास क्या है, कन्वर्जेंट है, और यहां पर मेरे पास क्या है, bn सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, इनटू समेशन ऑफ साइन 1 बाय n करूंगा मैं, अगर मैं सीक्वेंस की केवल बात कर रहा हूं, देखिए यहां bn, bn क्या है, सीक्वेंस है, तो bn ये मेरे पास क्या है, मोनोटोनिकली है, डिक्रीजिंग है, और ये मेरे पास क्या है, ये बाउंडेड है, मोनोटोनिकली है एंड बाउंडेड है, तो मेरे पास ये ओवरऑल क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी फ्रेंड, तो ये मेरे पास ओवरऑल क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो एबल्स टेस्ट में मुझे यही देखना है, एबल्स टेस्ट में हमें यही देखना है फ्रेंड। तो एबल्स टेस्ट में हमें क्या बोला है, क्या बोला गया है, समेशन ऑफ लाइक बीएन है अगर मेरे पास मोनोटॉनिक है एंड बाउंडेड सीक्वेंस है और समेशन ऑफ एन कन्वर्जेंट है, समेशन ऑफ एन की बात कर रहा हूं मैं, उसमें समेशन ऑफ एन की बात कर रहा हूं और उसमें सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, देखिए दोनों चीजें देखिए अच्छे से, तो मेरे पास क्या होगी, समेशन ऑफ एन बीएन कन्वर्जेंट होगी, मैंने एग्जांपल भी दे दिया। और कुछ पॉइंट है, जैसे कि मेरे पास समेशन ऑफ एन अपॉन एन की बात करूंगा, अब आप देखिए समेशन ऑफ लाइक समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ ए एन अपॉन एन भी कन्वर्जेंट होगा मेरे पास। कैसे आया ये, अब आप देखिए समेशन ऑफ 1 बाई एन है इनटू
किया है, ये कर सकते हैं आप समेशन ऑफ ए एन इंटू वन बाई एन, हाँ वन बाई एन है मेरे पास। अब आप समझ सकते हैं ये मेरे पास समेशन ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है और ये क्या है मोनोटोनिक लाइक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं समेशन ऑफ वन बाई एन इंटू समेशन ऑफ ए एन। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है कन्वर्जेंट है, ये मेरे पास क्या है कन्वर्जेंट है, और ये मेरे पास क्या है ये सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस देखो ये मोनोटोनिक है बाउंडेड है, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो गया फ्रेंड। बस एवल टेस्ट यही कहता है कि ए एन क्या होनी चाहिए, समेशन ऑफ ए एन कन्वर्जेंट होनी चाहिए, समेशन ऑफ ए एन कन्वर्जेंट होनी चाहिए, जो बी एन बना रहे हो आप बी एन बना रहे हो वो मोनोटोनिक और बाउंडेड हो, मोनोटोनिक और बाउंडेड हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो समेशन ऑफ ए एन इंटू बी एन क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी फ्रेंड। तो ये हो गया मेरे पास, या तो एक मैं और लिख सकता हूं इफ समेशन ऑफ ए एन कन्वर्जेंट दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ ए एन अपॉन एन टू द पावर अल्फा कन्वर्जेंट फॉर ऑल अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी मेरे पास कन्वर्जेंट होगी। कैसे होगी आप देख सकते हो यहां से कि समेशन ऑफ ए एन इंटू समेशन ऑफ वन अपॉन एन टू दी पावर अल्फा कर सकते हो, और ये मेरे पास क्या है मोनोटोनिक है बाउंडेड सीक्वेंस है, सीक्वेंस देखनी है यहां पर, सीक्वेंस देखनी है यहां पर, हमें पूरी सीरीज देखनी है, तो ये चीज देखो ये चीज समझो बस इसकी बात, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, और यहां पर क्या है मेरे पास ये सीक्वेंस लाइक सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, तो मेरे पास क्या होगी ओवरऑल सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ओके तो ओवरऑल सीरीज कन्वर्जेंट होगी मेरे पास, तो ये मेरे पास एक ये हो गया। अब इसी तरह आप देख सकते हो, तो ये एबल्स टेस्ट हो गया। अब मैं बताता हूं डिरिचलेट्स टेस्ट, डिरिचलेट्स टेस्ट इसमें क्या बोल रहा है, इफ बी एन, इफ सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट टू जीरो, देखिए दोनों चीजें देखिए अच्छे से, इफ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट टू जीरो, वहां पर क्या था केवल बाउंडेड के लिए बोला था उसने, बी एन इज मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट टू जीरो एंड एंड nth पार्शियल सम ऑफ, nth पार्शियल सम ऑफ सम sn ऑफ समेशन ऑफ ए एन, समेशन ऑफ ए एन इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ ए एन बी एन कन्वर्जेंट। तो देखिए दोनों की लैंग्वेज में फर्क है, यहां पर दोनों की लैंग्वेज में फर्क है, मैंने वहां पर जो बताया था आपको एबल्स टेस्ट बताया था उसमें और इसमें डिरिचलेट टेस्ट में, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है फ्रेंड, इफ समेशन लाइक इफ बी एन इज मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट टू जीरो, वहां पर क्या बताया था मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, और यहां पर क्या बताया मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट टू जीरो एंड nth पार्शियल सम ऑफ लाइक सम sn ऑफ समेशन ऑफ ए एन, समेशन ऑफ ए एन का जो nth पार्शियल सम होगा मेरे पास वो बाउंडेड होना चाहिए, यहां पर कन्वर्जेंट की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, यहां पर बाउंडेड की रिक्वायरमेंट है, यहां पर बाउंडेड की रिक्वायरमेंट है, तो बाउंडेड दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ ए एन बी एन इन कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ ए एन बी एन कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास समेशन ऑफ माइनस वन टू दी पावर एन साइन वन बाई एन, बस मैंने ये लिया साइन वन बाई एन, अब ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट ये देखना है आपको, ये मेरे पास क्या है ये ए एन है, ये मेरे पास क्या है बी एन है। अब देखिए इसको ऐसे लिख लो, हमेशा तोड़ के लिख लिया करो माइनस वन की पावर एन समेशन ऑफ साइन वन बाई एन। अब आप देखिए यहां पर, अब आप देखिए ये मेरे पास मैंने क्या बोला बी एन इज मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट टू जीरो, ये बी एन है, बी एन देखो समेशन बी एन नहीं देखना, मोनोटोनिक है मानते हो बोलो हाँ हाँ ठीक है, क्या जीरो पे कन्वर्ज करेगी एंटी स्विट फ्रीडी पर, एंटी स्विट फ्रीडी करोगे तो जीरो आएगा साइन जीरो जीरो आता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी कन्वर्जेंट टू जीरो है, जीरो है। अब आप देखिए इसका तो चैप्टर खत्म हो गया, अब आते हैं nth पार्शियल सम ऑफ ए एन इज बाउंडेड, अब आप देखिए माइनस वन की पावर एन की बात, माइनस वन की पावर एन को देखते हैं हम लोग, माइनस वन की पावर एन को अब हम लोग देखेंगे कि माइनस वन की पावर एन क्या होगा क्या करेंगे, तो माइनस वन की पावर एन को देखेंगे समेशन ऑफ एन देखना है, इसका एसएन लाइक nth पार्शियल सम देखना है। अब आप देखिए nth पार्शियल सम लाइक एसएन देखोगे आप जब इसका, जब एन मेरे पास इवन होगा
जब मेरे पास n इवन होगा, लाइक इसको स्टार्ट करोगे माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, n मेरे पास इवन होगा तो मेरे पास क्या होगा, लाइक टू फिर फोर सिक्स होगा, मेरे पास जीरो आएगा। और n ऑड होगा तो आप समझ सकते हो ये वन है माइनस वन आएगा, फिर आप थ्री का प्लेयर पेयर लोगे तो मेरे पास ये कैंसिल माइनस वन, फिर जब आप फाइव का पेयर लोगे ये कैंसिल माइनस वन, तो मेरे पास माइनस वन आएगा हमेशा। तो ये बाउंडेड है कि नहीं है, कन्वर्जेंट के लिए नहीं बोला गया है, यहाँ पर बाउंडेड के लिए बोला गया कि सर ऐसा लाइक एन तो पार्शियल सम क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ एन का बाउंडेड होना चाहिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, तो मेरे पास क्या होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, माइनस वन टू दी पावर एन साइन वन बाई एन है तो इसमें क्या करते हो, डिरिचलेट टेस्ट लगा दो। क्या बोला है डिरिचलेट टेस्ट, मैंने बोला है कि बी एन मेरे पास क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिक होनी चाहिए और कन्वर्जन टू जीरो होनी चाहिए, जीरो पे कन्वर्ज करनी चाहिए। और जो मेरे पास समेशन ऑफ एन लाइक एनथ पार्शियल सम ऑफ समेशन ऑफ एन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मेरे पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे समेशन ऑफ एन इनटू बीएन क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये डिरिचलेट्स हो गया, एबल्स मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपको करना क्या है, तो यहां पर अब सीरीज फिनिश हो गई है, अब सीरीज यहां पर फिनिश हो गई और कुछ भी हल्का फुल्का बचा होगा वो असाइनमेंट में हो जाएगा आपका, वो असाइनमेंट में हो जाएगा फ्रेंड। तो कॉची सीक्वेंस जैसे हाँ बताया था मुझे किसी ने, नहीं हुआ ठीक है, तो जब असाइनमेंट होगा तो वहां पर हो जाएगा, वहां पर डिस्कस हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि टेस्ट सारे हो गए, सीरीज हो गई और जो भी बचा होगा हल्का फुल्का जो भी एक्स्ट्रा टेस्ट होंगे वो आपको असाइनमेंट में बता दिए जाएंगे, वो आपको असाइनमेंट में बता दिए जाएंगे, तो आप उसके लिए टेंशन मत लें। तो अब आपको करना क्या है, सारे टेस्ट एक पेज में लिखो, आपको क्या करना है सारे टेस्ट, क्योंकि सीरीज में टेस्ट ही है और कुछ नहीं है, सीरीज में टेस्ट ही है और कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया आपको, सारे टेस्ट आप क्या करो एक पेज में लिखो और फिर उनको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ को आर कुमार से, क्वेश्चन लगाओ आर कुमार से, सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली लगेंगे, लाइक प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी आर कुमार से। तो पहले आर कुमार से लगाओ, फिर जिसकी जो लगाना हो आप लगा सकते हो, एसके मापा वगैरह जो भी यूज करना हो तो आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सारे टेस्ट लिखने हैं आपको, सारे टेस्ट लिखने हैं और फिर उनको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। और मैंने आपको बता दिया कोची एनथ रूट टेस्ट कहां लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट में आप ज्यादा ध्यान दीजिए, कंपैरिजन देखिए कौन से टेस्ट ज्यादा यूज होंगे, पी टेस्ट तो सिंपली समझ में आ जाता है, कंपैरिजन टेस्ट हो गया आपका, लिमिट फॉर्म टेस्ट हो गया, रेशियो टेस्ट हो गया, कोची एनथ रूट टेस्ट हो गया, और इनमें मैंने डिफरेंस बता दिया आपको कि डिफरेंस क्या होता है। और जो डिरिचलेट्स हैं एबल्स हैं इनमें तो अलग ही टेस्ट है, इनमें अलग ही चीज समझ में आ जाएगी। तो लगभग सीरीज का जो भी क्वेश्चन होगा इन्हीं टेस्ट से हो जाएगा फ्रेंड। तो यहां पर मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूं, थैंक्स।